का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्ती होगी। इस संदर्भ में आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप युवा लाइफ वॉलंटियर का आवेदन अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाले हैं, क्या कुछ इसमें जानकारी लगेगी आपको ऑनलाइन अप्लाई करते समय, तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या पीसी में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना। इसमें एमपी स्टेट वॉलेंट अर्थोलॉजी को यहाँ पर सर्च में मार देना है। इसको आप जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। पहली वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऊपर ही, वॉलेंटियर पोर्टल। ये वॉलेंटियर पोर्टल करके एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है, लाइव वॉलेंटियर पर क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। पहले में अगर आपको नियम और शर्तें पढ़ने हैं तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। नियम और शर्तें पढ़ने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना हो, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना। तो हम साधारण सी बात है, हम ऑनलाइन अप्लाई करने वाले, हमने पहले ही नियम शर्तें इसकी बता दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख ले और चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक कर दिया है हमने, तो हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको पूरी अपनी जानकारी भर देना है, ठीक है। हम बता देते हैं क्या क्या आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करना होगा, आपका नाम एंटर करना होगा, आपको फादर का नाम एंटर करना होगा, आपकी मदर का नाम भी एंटर करना होगा, आपका लिंक सिलेक्ट करना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, आपके मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं इसका आपको डोमेस्टिकल अपलोड करना पड़ेगा, निवास स्थान बताना पड़ेगा और आपको वर्तमान एड्रेस बताना पड़ेगा। आवेदन किस जिले के लिए आप कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अपना व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। व्हाट्सएप नंबर के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद आपको कुछ और जानकारी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको किसी कार्य व्यवसाय का अनुभव है तो उसको बताना होगा। और यहाँ पर आपको स्वयं से भी बनने के लिए मेरी प्रेरणा, यहाँ पर आपको सभी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना। तो चलिए हम फटाफट अपनी डिटेल भर देते हैं। आवेदन की डायरेक्ट आपको वेबसाइट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन की लिंक ओपन कर सकते हैं। सभी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपको घोषणा पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे आपका आवेदन सबमिट होता है कुछ देर आपको वेट कर लेना है। हमारा आवेदन सबमिट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी रेफरेंस आईडी भी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। ये देखिए हमारी रेफरेंस आईडी यहाँ पर आ चुकी है, तो इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन भी दे रहा है, आप चाहे तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रिंट भी लोड हो रहा है, कुछ देर वेट कर लेते। ये देखिए हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पर आवेदन भरा चुका है, हम इसे सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है लाइफ वॉलंटियर के लिए। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्ट हमसे कोई भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।